नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका यूनियन के जिला अध्यक्ष श्वेता सुमन के आह्वान पर दरभंगा के समर्थक के समक्ष प्रदर्शन के माध्यम से 17 सूत्री मांगों के समर्थन में ज्ञापन पत्र सौंपा है, देखिए। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका यूनियन के जिला अध्यक्ष श्वेता सुमन के आह्वान पर दरभंगा जिला की सेविका सहायिका द्वारा हजारों की संख्या में सामाजिक दूरी बनाते हुए दरभंगा जिला के समाहर्ता के समक्ष प्रदर्शन के माध्यम से अपने 17 सूत्री मांगों के समर्थन में ज्ञापन पत्र सौंपा। प्रदर्शनकारी की मांग में डीपीटी हेतु पंजीकृत लाभार्थियों की सूची सेविकाओं से प्राप्त कर समापन का कार्य परियोजना कार्यालय स्तर से किया जाए, पात्र अपात्र लाभुकों को छूटने से बचाया जाए। बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के द्वारा जो कुपोषण दूर करके कार्य किया जा रहा है उसे सरकार द्वारा लॉकडाउन में समाप्त कर दिया गया है, जिससे कुपोषण का खतरा उपस्थित हो चुका है। आईसीडीसीएस के 6 सेवाओं के अलावा कोई अतिरिक्त सेवा नहीं लिया जाए। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए सेविका को वर्ग 3 और सहायिका को वार्ड 4 का दर्जा दिया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता है तब तक सेविका को 21,000 और सहायिका को 15,000 मानदेय राशि दिया जाए, जो 54 दिन हड़ताल के उपरांत 16 मई 2017 को हुए समझौते के आलोक में लंबित मांगों का शीघ्र निष्पादन किया जाए। गोवा, तेलंगाना और अन्य राज्यों की भांति बिहार सरकार की सेविका को 10,000 और सहायिका को 8,000 अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दिया जाए। सेविका को प्रोबेशिका और सहायिका को सेविका के रिक्त पदों पर 100% नियुक्त किया जाए। सेवानिवृत्ति के पश्चात मासिक पेंशन 10,000 या एकमुश्त 1,00,000 का सहायता राशि या बीमा का लाभ सुनिश्चित किया जाए। सेविका सहायिका चयन मार्गदर्शिका और दंड निरूपण की प्रक्रिया कानून बनाया जाए। 4 घंटे से अतिरिक्त कार्य के लिए मजबूर नहीं किया जाए। काम का समय 4 घंटा निर्धारित किया जाए। समान काम के लिए समान वेतन प्रणाली किया जाए। मिनी और केंद्र की सेविकाओं को भी समान मानदेय दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट एचबीएन न्यूज। सेविका जो यहाँ धरना पर बैठी हुई हैं अपने 17 सूत्री मांगों के लिए, आज 13वां दिन हम लोगों का हो गया हड़ताल का। ये जो सरकार है नीतीश कुमार, ये हम लोगों की ये हड़ताल हम लोग करके बैठे हुए हैं, ये हमारी बातों को नहीं सुनते हैं। इनको हम लोग जगाने के लिए जिला में प्रदर्शन कर रहे हैं, परियोजना में किए हैं इससे पहले धरना प्रदर्शन, और जिला में कर रहे हैं। जब तक हमारी बहनों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दे देते हैं ये लोग, तब तक हम लोग हड़ताल करते रहेंगे और हमारी लड़ाई अनवरत रहेगी और हम लोग लड़ते रहेंगे। ये सरकार जो हमारी बात नहीं सुनती है, उनको उनके बातों को अब हम अपनी आवाज़ों से उनके कानों तक पहुँचाना चाहते हैं। जो इस बार अगर हम लोगों के लिए ये नहीं मानेंगे तो हम भी इनके लिए नहीं हैं, क्योंकि नोटा बटन हम लोग ठान लिए हैं। हम लोग नोटा बटन दबाएंगे। हमारी बहनों से कह दिए हैं हम, जो इस बार जो चुनाव आने वाला है, हम लोग अपनी सरकार जो सेविकाओं के लिए जो सरकार काम करेगी वो सरकार बिहार पे राज करेगी, हम लोग ठान लिए हैं। इनका जो है हर परिवार में हमारी एक वोट उनका कटेगा, हर परिवार में हम एक वोट काटेंगे उनका। हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो काटेंगे इस बार। ये कब तक जारी रहेगा? जब तक हम लोग को सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं कर देते हैं तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, अपनी मांगों पे अड़े रहेंगे। हमारी बहनों एकता बना के जगह जगह आंदोलन कर रही है, करती रहेगी। अगर यहाँ नहीं मानेंगे, सड़क से लेकर सांसद तक हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। क्या नाम हुआ? कुमारी श्वेता सुमन, जिला अध्यक्ष आंगनबाड़ी सेविका।